तीन वाहन चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन पुलिस ने तीन वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी के 5 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। थाना सिविल लाइन पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान एक ही बाइक पर जा रहे तीन युवकों को रोक कर जब बाइक पे पेपर मांगे तो बाइक सवार पेपर नहीं दिखा पाए। तब चेकिंग कर रही पुलिस ने उस बाइक का ऑनलाइन चलान किया तो पता चला कि वो बाइक के संबंध में चोरी का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर तीनों युवकों को थाना सिविल लाइन लेकर सख्ती से पूछताछ की तो सत्यम नाम के युवक ने बताया कि वो दोपहिया वाहन चुरा कर उन्हें पहले कहीं सुनसान जगह पर छुपा देते हैं, उसके बाद मौका मिलने पर उन्हें बेच देते हैं। जी सर, आज की इस संबंध में प्रेस वार्ता रखी। तो ये प्रेस वार्ता चोरी की गई जो मोटरसाइकिल से उनकी बरामदगी से संबंधित प्रेस वार्ता की जा रही है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए चोरी की 6 बाइकें और 3 अभियुक्तों को पकड़ा है। इस समय पंचायती चुनाव जो है चल रहा है और पंचायत चुनाव को देखते हुए और उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको लागू कराने के लिए जो हमारी थाना सिविल लाइन पुलिस जो है चेकिंग अभियान बहुत सघन चला रही थी और समय समय पर सब स्थान और टीम बदल करके चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आते हैं और जब उनसे पूछताछ की जाती है और उनका कागज़ चेक किया था तो पाया जाता है कि उनका कागज़ फर्जी है, फर्जी नंबर प्लेट लगाए हुए हैं। और फर्दर जब उनसे पूछताछ शुरू की जाती है तो उनके पास से 5 और बाइकें बरामद होती हैं और एक गिरोह था जो बहुत दिनों से इस काम में लगा हुआ था, चोरी की बाइकें जगह जगह से चोरी करते थे और चोरी करने के उपरांत जो इसको बेच करके अपना जीवन यापन करते थे और उसके लिए जो अपना खर्च पूरा करते थे, जो इनके शौक थे बेसिकली उसको पूरा करने का प्रयास करते थे। कितने आरोपी हैं इसमें? कुल 3 हैं, सत्यम जो इसका मास्टर माइंड है और अभिषेक बिश्नोई और शिवम तोवर। मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं या कहीं? ये 2 तो इसमें सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक मजगुरा क्षेत्र का रहने वाला है। इनके खिलाफ आपराधिक इतिहास भी है और पूर्व में भी इन्होंने चोरी के इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं और ये सब चोरी कर बाइकों को एक खंडहर में रखे हुए थे जहाँ से उसको बेच करके जो है लाभ कमा करके अपनी जो अनावश्यक जो गैर जरूरी आवश्यकता है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और भी सदस्य हैं या केवल 3 ही पकड़े गए हैं? इनकी काफ़ी पूछताछ और इंटरोगेशन किया गया जिसमें अभी तक 3 का ही नाम प्रकाश में आया, बाकी पूछताछ की जा रही, विवेचना में अगर फर्दर कोई इनपुट मिलता है, कोई जानकारी मिलती है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सर, इन गाड़ियों के अलावा भी क्या इन्होंने कुछ और गाड़ियों की चोरी की वारदात को कबूल किया है? अभी जितनी गाड़ियाँ इन्होंने चोरी की हैं जो इनके पास से हमने बरामद कर लिया है, बाकी पिछली भी कुछ चोरियाँ इन्होंने एक्सेप्ट की है, विवेचना में उसको जो है प्रकाश में। सर, 2020 से पहले का भी इनका कोई आपराधिक इतिहास मिला है? अभी तक जो हमें आपराधिक इतिहास मिला है 2020 से अभी तक का मिला है। आगे और जिलों दूसरे जिलों में इनके खिलाफ क्या आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं अथवा नहीं या हमारे किसी और थाने में कोई दर्ज है उसकी हम जांच करवा रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर।